16 मार्च यानी आज का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। आज के दिन 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। आज के दिन 1693 में इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म हुआ था। आज के दिन 1846 में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के फलस्वरूप अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन 1910 में इफ्तिखार अली खां पटौदी का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेली थी। आज ही के दिन 1922 में इंग्लैंड ने मिस्र को मान्यता दी थी। आज ही के दिन 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1947 में प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1966 में अमेरिका ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जेमिनी 8 लॉन्च किया था। आज ही के दिन 1968 में वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी सेनाओं ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज ही के दिन 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज ही के दिन 2012 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।